ना निम्की, तुम और अभिमन्यु बाबू कभी भी एक नहीं हो सकते का? नहीं, हम अभिमन्यु बाबू के बारे में कभी ऐसा सोचे ही नहीं। मगर दीदी, अगर तुमको ये पता चले कि अभिमन्यु बाबू तुमको चाहते हैं तो? हमको काम करने दो। अगर तुम दोनों को हमारा मदद करना है तो बैठो, ये तो जाओ भाई। दीदी ये देखो, ये वाला फोटो, इसको अगर आखिरी में रख दे तो अच्छा एंडिंग मिलेगा ना प्रेजेंटेशन का। तुमने, चलो देखो अच्छा लग रहा है प्रेजेंटेशन, ये फोटो अच्छा लग रहा है ना? गजब का आइडिया दिया हो तुम। नहीं भाई, बहुत अच्छे। देख लो ना, होने वाला वाइफ को अच्छा ट्रेनिंग दे दिए हम। ध्यान से देखो निम्की, खाली ये वो फोटो बदल जाने से कितना अच्छा एंडिंग हो गया है प्रेजेंटेशन का। कर रहे मुंगेरी जी सर, कब से आपका वेट कर रहे हैं, बुलाए का? हो गया, बुलाइए बुलाइए। मुंगेरी जी कहाँ है आपके मुखिया जी? अरे काम का बात तो हम परसों ही खत्म कर दिए थे, आज तो आपकी मुखिया जी कुछ प्लान सुनाने वाली है। सर, हमारी मुखिया जी ना प्लान सुनाएंगी ही नहीं, दिखाएंगी भी। मतलब ये सब का है? सिनेमा दिखाने वाले है का? अरे सर, सिनेमा फेल हो जाएगा, देखिएगा तो। अरे कहाँ है मुखिया? मुखिया आप लोग ऐसा मुंह खोल के देखते रहिएगा ना तो मुंह में मक्खी घुस जाएगा। वो क्लोज कीजिए ना। हाँ कलेक्टर साहब, ये हैं कुरसावापुर की मुखिया जी नमकीन कुमारी उर्फ निम्की जी। हाँ बैठिए। हम ना जरा लास्ट टाइम के लिए सॉरी मांगते हैं, कहे कि हम पर अटैक हो गया था। अटैक? कैसा अटैक? वो सब आप रहने दीजिए, वो अब हम हैंडल कर लिए थे। अब शुरू करते हैं? हाँ, ज्यादा समय नहीं हमारे पास। Busy, busy, very busy, me too busy, life busy, everything busy, busy. शुरू कीजिए। Mr. Tunney, everything ready? Yes, yes, me too ready, everything ready, sit quiet, do some work ready. तिवारी जी, हाँ जी, light off कीजिए तब clear दिखेगा। ये ठीक है।
अरे फिल्म का मजा तो अंधेरे में ही आता है। मुंगेरीलाल जी पर्दा सब भी लगवा दीजिए ना। अब शुरू भी कीजिए, हमको अपने बेटे का बाल कटवाने जाना है। Very nice. विराट कोहली वाला हेयर वाला कटिंग करवा लीजिएगा। मुखिया जी शुरू कर दीजिए ना। जी जी नहीं। फेस है घाट तोला, आज और कल, परसों और उससे भी आगे। खुशबूदार टॉयलेट। और सोच आदमी का लाइफ का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर आदमी सोचना और सोचना बंद कर दे तो किसी काम का रह नहीं जाता है। ठीक है मुखिया जी, गांव में टॉयलेट तो बनवा ही दिए हम, लेकिन वही टॉयलेट में जाकर कभी आप बदबू सूंघे हैं? कि कितना बदबू आता है। लोग वो टॉयलेट में उल्टी कर सकता है, सोच नहीं। ठीक है हाँ तो अरे पब्लिक टॉयलेट में, शौचालय में खुशबू वाला डिब्बा लगवाइए भाई। खुशबू वाला डिब्बा? अरे हाँ सर, टॉयलेट में बैठकर ही तो आदमी अच्छा अच्छा सोच पाता है। तो ये पब्लिक वाला टॉयलेट को ना सिर्फ स्वच्छ खुशबूदार भी होना चाहिए। जब बेडरूम वाला फील शौचालय में आएगा तभी ना आदमी अच्छा अच्छा सोच पाएगा। ठीक है का बक रही है वीडियो बाबू, ये सब कहा है? नहीं इसके आगे और अच्छा अच्छा प्लान है सर। अब मुखिया जी आगे बढ़ाइए। यस। हाँ तो ऐसा कहा है शहर में जो हर कोई गांव छोड़कर शहर चला जाता है? शहर में ऐसा कहा मिलता है जो गांव में नहीं मिलता है? वहाँ स्विमिंग पूल होता है, वहीं पोखर तालाब, यहाँ गाय भैंस बैल सबके साथ नहाना पड़ता है, नहीं तो कल चलाकर बाल्टी भर के। इसलिए हम सोचे हैं कि गांव में हर घर में हम सावर लगवाएंगे। अरे एक बार सावर में नहा के तो देखिएगा कब फीलिंग आता है। ठीक है मुखिया जी, सबको अंग्रेज बनाएंगी का? अंग्रेज सर, हमारे पूर्वज तो झरना में ही नहाते रहे। हमारा मतलब है प्राकृतिक शावर। शावर का शुरुआत तो समझ लीजिए हमारे देश से ही हुआ है सर। अभिमन्यु बाबू का कब बात बोले हैं आप? गजब। अब देखिए आप सब लोग राम तेरी गंगा मैली वाला फिल्म तो देखे ही होंगे, देखे हैं कि नहीं? वो फिल्म में मंदाकिनी नेचुरल सावर के नीचे नहीं है, यानी कि झरना, और वही फिल्म का वो वीडियो, उसको आप 10 बार रिपाज रिवाइंड करके देखे होंगे, है कि नहीं? हाँ, आगे चलिए। अरे मुखिया जी, मुझे अगला प्लान बताइए ना सर को। हमारा तीसरा प्लान है गांव भर चार्जर। गांव में बिजली पानी छोड़ के चार्जिंग पॉइंट लगवा दे का? कि का फालतू का बात कर रहे हैं? अरे आज जब शहर में वाईफाई फ्री मिल रहा है तो गांव वालों के लिए हम का चार्जर का सुविधा नहीं दे सकते का सर? अरे वीडियो बाबू पगला गए हैं का? अरे का दिखाएंगे हम खाता में? गांव में चार्जिंग पॉइंट लगवाए हम, अरे अपने साथ हमारा भी नौकरी खाने का इरादा है का? अच्छा ठीक है, रहने देते हैं, आगे का प्रस्ताव बताइए ना। अभिमन्यु बाबू इतना छोटा छोटा चीज के लिए मना कर रहे हैं लोग, कोई बड़का बड़का चीज कैसे पास करेंगे? अरे आप आगे का प्रस्ताव बताइए ना, अब सब चीज को थोड़ी मना करेंगे कलेक्टर साहब। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ए नारो जी, अरे सुनिए का बब्बू से बतिया है बब्बू के शादी के बारे में? नहीं हम नहीं किए हैं बात। कहा बाबू जी, हमारा मजाक उड़ाते थे ना कि एक बिजनेस तो संभलता नहीं है, दूसरा खोलने चले हो। पहले बब्बू का पहला शादी से तो निपटिए, फिर दूसरी का प्लानिंग कीजिएगा।
गोल गोल पूरी ना ठूस देंगे मुंह में, यहीं बका के मर जाओगे। बात कहने की है महाराज, जानते हैं ना बब्बू का दिमाग कितना खराब है आजकल, आप ही कहा नहीं बात कर लेते हैं उससे, अपने बाबू जी का बात उकटालता है कभी। का बात करें? हम बात करें का? वो हमारा बात माने कि ना माने, सुनेंगे जरूर, हमारा बहुत इज्जत करते हैं वो। गजब का इज्जत करते हैं आपका साले साहब। वैसे ही शादी वाला दिमाग तो आपके बेताले जी का ना होगा। का दमा जी, आपको अपना रिश्ता का ख्याल है? जब से स्वीटी स्वास्थ्य केंद्र से आई है कुछ अलग लग रही है। तो आपको क्या लगता है, हैं? कि हम स्वीटी जी का ख्याल नहीं रखते हैं? वो तो स्वास्थ्य केंद्र जब गए थे तो वहाँ डॉक्टर बोला कि चोट को भरने में टाइम लगेगा अभी, तो इसीलिए स्वीटी जी चिंता में होंगी। हाँ स्वीटी जी, आपकी अम्मा को लग रहा है कि हम आपका ख्याल नहीं रख रहा है, जरा बताइए इनको हम आपका कितना चिंता करते हैं। हम किसी को बताएंगे कि आपका हवेली में वापस आने का असल मकसद क्या था, ना ही आप किसी को बताएंगी कि हम क्या चाहते हैं। हाँ अम्मा, ये हमारा काफी ख्याल रख रहे हैं। स्वीटी, हम बोले थे ना तुमको कि पति लोग को हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए, न तो ये लोग ध्यान देना छोड़ देते हैं। चलिए स्वीटी जी, आपका दवाई का टाइम हो गया है, चलिए आपका चोट पर मरहम लगा देते हैं। अब बब्बू सब ठीक है बेटा? भैया का मूड बहुत खराब है। काहे? आप तो ना यहाँ पर खड़े होके काहे काहे पूछते रहिए बस। वहां निमकिया कलेक्टर के पास पहुंच गई अपना पिलान लेके। अरे ये लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, इन लोग से कुछ नहीं होगा। हाँ निमकिया वो छोड़ी पूरा गांव पर राज करेगी। अरे चुप नहीं है ना महाराज, क्या प्लान बनाएगी वो, कुछ होता जाता है उसको। भाऊजी आप तो ना बस यहाँ पर खाम ख्याली में बैठे रहिए, जानते हैं उसका प्लान कौन बनाया है, ये झड़िया बता। उनहर सिंह मां, और अगर एक बार उसका प्लान पास हो गया ना तो क्या इज्जत रह जाएगा हम लोग का गांव में, सोचे हैं? अरे शांत, कुछ नहीं होगा, प्लान पास होना इतना आसान काम नहीं होता है। और चलिए मान लीजिए निमकिया का प्लान पास हो भी गया तो करने दीजिए ना महाराज काम उसको। अरे प्लान बनाना और करने में बहुत अंतर होता है, एक बार काम करना शुरू करेगी ना तब समझ में आएगा उसको। हमरा विश्वास कीजिए साले साहब, अब खुद ही सोचिए भाई, वो नहर सिंह तो कितना बार हमारे खिलाफ टेंडर भरा है, मिला का उसको? ये है सनीमा घर, यहाँ पर अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान सबका फिल्म लगाया जाएगा। आगे बढ़िए। मतलब बनाया जाएगा ना? अरे बोले ना आगे बढ़िए। है हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट ब्यूटी पार्लर। और ये तो चुनाव प्रचार के समय हम गांव वाले लोगों को प्रॉमिस भी किए थे, ब्यूटी पार्लर पंचायत का तरफ से लेडीज लोग के लिए ब्यूटी पार्लर बनना चाहिए। बंद कीजिए सब, और उठाइए अपना लैपटॉप और निकलिए यहाँ से आप लोग। हम यहाँ गांव-गांव में बैठकर ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए आए का? क्या बना दिया तुमको मुखिया?
अरे तुम्हारा तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाना चाहिए था। जाओ ले जाओ अपना तामझाम, हो गया मीटिंग खत्म, चलो उठाओ और निकलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाए, इतना महीने से प्लान बनाए हैं पूरा। अरे का प्लान बनाई हो तुम, हम सबका दिमाग खराब कर रही हो तुम। मुखिया का क्या काम होता पता है तुमको? और ये फालतू का बकवास तुम सोची कैसे? सड़क पानी बिजली का एक को बार बात नहीं की हो तुम, और तुमको चाहिए का? सावर, ब्यूटी पार्लर, चार्जिंग पॉइंट, सिनेमा घर। तुमको पता है मुखिया क्या करता है? नाली नाला बनवाता है, पानी का पंप लगवाता है। सर मुखिया जी बोलना चाह रही हैं कि ये जो सड़क बनाना नाला बनाना ये तो सरकार का काम है, ये है ना। अब आजादी का इतना साल बाद ये सब करने के लिए प्लान का जरूरत है। हम मुखिया हैं और हमारा फर्ज बनता है कि गांव वाला लोग का जिंदगी का स्टैंडर्ड ऊपर करना, क्वालिटी ऊपर करना। गांव वालों का जरूरत पूरा करने के लिए प्लान नहीं बनता सर, जरूरत तो पूरा हो ही जाना चाहिए। प्लान बनता है एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने के लिए। एकदम सही। और का आप लोग को गांव का औरत लोग का हालत पता है आज का डेट में? कितना जुर्म से थी गांव का औरत लोग, काहे काहे कि उन्हें डरती है, अभी भी डरती है, कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, हम लोग को बढ़ावा देना है। सर ये बात तो मुखिया जी एकदम सही बोल रही हैं। सर मुखिया जी की कॉन्फिडेंस वाला बात में दम तो है। बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस कहाँ से बढ़ेगा? रोटी फूल लगने से, सिनेमा देखने से, फिल्म देखने से। का? जी जेंटलमैन, यस। अब आप ही बताइए, अगर हम कापड़ फिल्म नहीं देखते बिपाशा बासु का, तो हम कोई कॉन्फिडेंस कहाँ से आता कि हम कोई प्रेजेंटेशन आप लोग का सामने कॉन्फिडेंस में दिखाना है? सरकार सड़क तो बना देगी, लेकिन उस पे चल के आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा? सिनेमा से, फिल्म से, ब्यूटी पार्लर जाने से। सिनेमा से हट के कुछ सोच पाती हो तुम? कलेक्टर साहब, हमारा देश में आज का डेट में लोग सिर्फ तीन लोगों से इंस्पायर होता है। हिंदी में बोले तो प्रेरणा लेता है, फिल्म स्टार, खिलाड़ी और नेता लोग। क्या बात कर रही हैं आप, हम भी स्कूल में जाते हैं बच्चों के, और वहाँ बच्चे बड़े शान से कहते हैं कि हमें डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अफसर बनना है। हाँ सिर्फ बच्चा लोग ही बोलता है, काहे कि उनमें अक्ल कम होता है ना। जब बड़ा होता है ये बच्चा लोग तो पलटी मार देता है, फिर किसी को एक्टर बनना होता है, किसी को खिलाड़ी, किसी को नेता लोग, और कोई कोई तो नेता लोग का पीछे पीछे घूमना शुरू कर देता है ताकि एक दिन वो नेता लोग बन सके। जानते हैं काहे? हम बताएं? कुछ नहीं सुनना है। तो फिर कान बंद करके खड़े हो जाइएगा, मत सुनिए। कलेक्टर साहब, अभी अभी कुछ टाइम पहले ही दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का शादी हुआ था। लोग सोशल मीडिया पे फोटो देख के पगला गया था, न्यूज सब में छपा था वो। फिर उससे पहले विराट कोहली और उसका भी शादी हुआ था, वो कौन है? खिलाड़ी लोग और एक्टर लोग। उसके बाद प्रियंका का भी शादी हुआ, बीच में नेता लोग का बच्चा का भी शादी हुआ, वो सब न्यूज में आया। खिलाड़ी लोग का भी न्यूज आया शादी का। आप कहना क्या चाहती है? कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में उही टाइम में 500 अधिकारी लोग का शादी हुआ होगा। कोई पूछा था आपको? सोशल मीडिया पे जब आप लोग फोटो डालते हैं तो कितना लाइक मिलता है आप लोग को, और फोटो में जिसको टैग करते हैं वो भी लाइक नहीं करता आप लोग का फोटो। आप लोग से ज्यादा तो सैफ अली खान और करीना कपूर का बेटा फेमस है, इतना छुटका सा उम्र में। बेइज्जती कर रही है हमारी? नहीं नहीं सर, सर वो मुखिया जी कहना चाह रही है कि देखिए सिनेमा और खेलकूद से ही नाम रोशन होता है। हमारे देश हमारे समाज का दुर्भाग्य समझ लीजिए कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट का वैल्यू करना तो हम भूलिए गए हैं। ठीक है कोई बात नहीं, इसको भी हम समाज का फायदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मतलब है गांव-गांव में खेलकूद को बढ़ावा दे सकते हैं। और का? अरे मुखिया जी खेल वाला प्रस्ताव बताइए ना सर को। हाँ, 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 हाँ। आगे कीजिए। हाँ देखिए,
कलेक्टर साहब, हम चाहते हैं कि पंचायत के तरफ से गांव वाला लोग के लिए एक रेस आयोजित किया जाए। हमने गांव की लेडीज लोग को काम नहीं है भाई, तुमने बताओ ना भाई। हाँ हाँ सर, हमारे गांव की बेचनी अपना से दो दो साल का लड़का लोग को रेस में हरा देती है। गणेशवा की बहनी है, छोटकी बॉक्सिंग जानती है सर। कोई भी लड़का को, पूरा गांव में से कोई भी लड़का को चुनकर उससे लड़वा दीजिए, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में एकदम धूल चटा देती है सर, उसको जमीन पर पटक देती है। हाँ हम कराए थे ना साइकिल रेस, मुखिया जी तो जीती थी। ये सब तो पंचायत को जरूर कराना चाहिए सर। तो ठीक है, करवा देते हैं रेस। पहला दौड़ मुखिया ही दौड़ेंगी। ठीक है, हम गांव का लेडीज लोग को इकट्ठा करके लगा देते हैं दौड़। आप भी अपना सब अधिकारी लोग को लेके आ जाइए मैदान में, क्या कहते हैं? चैलेंज एक्सेप्ट।